दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आप थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में तो जानते ही हैं। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल बहुत सारे एयरक्राफ्ट में किया जाता है। अमेरिका का F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट और रशिया का Su-57 एयरक्राफ्ट भी थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इन्हीं थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के इस्तेमाल से एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम मैनूवरेबिलिटी मिलती है और वो सुपर मैनूवरेबल हो सकते हैं। हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के साथ भी पहले थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का प्लान था। जब कावेरी इंजन को डेवलप किया जा रहा था तो तब GTRE का प्लान था कि कावेरी इंजन के लिए भी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, लेकिन बाद में क्योंकि हमारा कावेरी इंजन प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो ये प्लान भी आगे नहीं बढ़ पाया। अभी हाल ही में चीन ने भी अपने J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे उनका एयरक्राफ्ट अब एक्सट्रीम मनूवर्स करने के केपेबल है। चीन ने अपने खुद के बनाए इंजन के साथ इन नोजल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और जो चीन का J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो साइज और इंजन कन्फिग्रेशन के मामले में हमारे तेजस Mk2 एयरक्राफ्ट के साथ कंपेरेबल है। तो यहाँ पर अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के साथ ऐसी नोजल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और क्या हमारे तेजस के डिज़ाइन फीचर्स में इस थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को ऐड करना चाहिए या नहीं। तो चलिए अभी जानते हैं कि इसके साथ हमारे तेजस एयरक्राफ्ट को क्या फ़ायदा होगा और क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ तक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स की बात है तो इस बात से ऐसा पता चलता है कि क्योंकि कावेरी इंजन के साथ GTRE ने प्लान किया था कि उसके साथ भी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस एयरक्राफ्ट के साथ इन नोजल्स को एक्सपेरिमेंट करने का प्लान था, लेकिन क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई थी कि हम रशिया की क्लिमोव कंपनी के साथ एक MOU साइन कर रहे हैं जिसमें DRDO और क्लिमोव दोनों मिलकर थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स डेवलप करेंगी जो कि किसी भी इंजन के साथ इस्तेमाल की जा सकेंगी। लेकिन इस MOU के बारे में कोई भी नई जानकारी सामने नहीं आ पाई कि क्या इसके ऊपर आगे काम किया गया है या नहीं। लेकिन अगर हम तेजस Mk2 एयरक्राफ्ट या तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट के साथ इन नोजल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की बात करें तो इससे इन एयरक्राफ्ट को बहुत सारी एडवांटेजेस मिल सकती हैं, जैसे कि इनका क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक इम्प्रूव हो सकता है और उसके साथ ही अगर इनको प्रॉपरली डिज़ाइन किया जा सके तो इनका लैंडिंग और टेक ऑफ डिस्टेंस भी कम हो सकता है और इनसे एयरक्राफ्ट की मैनूवरेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। ये शार्प टर्न्स कर पाएगा और उसके साथ ही इन नोजल्स के लग जाने के साथ इसके वर्टिकल स्टेबलाइजर्स को रिमूव किया जा सकेगा, जिससे इन एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा और इसके साथ ही हमारा तेजस एयरक्राफ्ट या तेजस Mk2 एयरक्राफ्ट कोबरा मनूवर जैसे एक्सट्रीम मनूवर्स भी कर पाएगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारे तेजस सीरीज के एयरक्राफ्ट के साथ इस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन में लाना शायद लॉजिकल या प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन फिर भी अगर इन एयरक्राफ्ट के साथ इन टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये हमारे AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत अच्छा टेस्ट बेड साबित हो सकते हैं। हमारे AMCA Mk2 एयरक्राफ्ट या AMCA एयरक्राफ्ट के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल करने का प्लान है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या ये 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग होगी या 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग होगी। लेकिन अगर हमें AMCA एयरक्राफ्ट के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो हमें इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन हमारी तेजस सीरीज के एयरक्राफ्ट के साथ ही करना होगा और उसके बाद ही AMCA एयरक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर हम थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के बारे में बात करें तो इसको लेकर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम क्लिमोव से भी ऐसी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं जिसके लिए हमने पहले ही क्लिमोव के साथ पार्टनरशिप की हुई है। इसके साथ ही जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसके इंजन्स पहले ही हमारे तेजस सीरीज के एयरक्राफ्ट और AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने हैं, उस कंपनी के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। वो 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ पहले ही काम कर चुके हैं। जो हमारा तेजस Mk2 एयरक्राफ्ट है वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 एनहेंस्ड इंजन इस्तेमाल करेगा, जिसके साथ जनरल इलेक्ट्रिक की मदद से हम इस एयरक्राफ्ट के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इन्हीं थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को बाद में AMCA एयरक्राफ्ट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को लेकर बहुत सारी ओपिनियंस हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये नोजल्स अभी काम नहीं आती हैं और एक एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि डॉग फाइट का ज़माना अभी नहीं रहा है, अभी ज़माना बियॉन्ड विजुअल रेंज वारफेयर का है। और बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए।
और हमारे तेजस सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट को ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए वो हमारी इंडियन एयर फोर्स की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को लेकर बात करें तो ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए नई नहीं है। हमने Sukhoi-30M के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया है जो कि ऐसे इंजन्स के साथ आता है जिनके साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा Sukhoi-30M के एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मनूवर्स कर सकता है। अभी हमारा देश जिन कंपनीज के साथ नए इंजन्स को बनाने के लिए पार्टनरशिप करना चाहता है उन सभी के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ काम कर सकें और उनको डेवलप कर सकें। जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस दोनों कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इन दोनों के पास ऐसी नोजल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। तो अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना चाहें तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम एमसीए के साथ इन नोजल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो तेजस एयरक्राफ्ट एक बहुत अच्छा टेस्ट बेड साबित हो सकता है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनियसली डेवलप करने की बात करें तो यो क्लिमोव और डीआरडीओ के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स डेवलप की जानी थी वो ऐसी होनी थी कि वो हमारे किसी भी इंजन के साथ इस्तेमाल की जा सकने वाली थी, और इससे हमें ऐसी कैपेबिलिटी मिलने वाली थी कि हम इन नोजल्स को खुद डेवलप और मैन्युफैक्चर कर पाने वाले थे। लेकिन इसके बारे में बाद में कोई अपडेट सामने नहीं आई है। ऐसा हो सकता है कि इनके ऊपर अभी भी काम चल रहा हो और हमें जो एमसीए में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स देखने को मिले वो क्लिमोव और डीआरडीओ के बीच किए गए पार्टनरशिप से ही आई हों और हमारा एमसीए इंडिजिनियस थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल करे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।